अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हानियाज़ किचन। हानियाज़ किचन में आज हम बना रहे हैं खड़ी मिर्चों का कीमा, जिसके लिए हमने कीमा ले लिया है आधा किलो। पांच छोटे साइज़ की प्याज लेकर हमने उसको बारीक बारीक काट लिया। ऑयल एक कटोरी, नमक हसबे ज़ायका। यहाँ हमने साबुत गरम मसाला ले लिया है, जिसमें दालचीनी है, 4 से 5 दालचीनी है, ज़ीरा है इसमें, कड़ी पत्ता है और लौंग है और काली मिर्च है। यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं हमने, 3 टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ के। हरी मिर्चें ले ली हैं, 7 से 8 अदद। यहाँ हमने साबुत लाल मिर्च ले ली है, जिसको हमने काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून, 1 कप ऑयल। तो चले हम चलते हैं कीमा बनाने की तरफ। सबसे पहले हम एक पतीले में ऑयल गरम कर लेंगे। यहाँ हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको तब तक गरम करेंगे जब तक ये प्याज ना डाल सकें इसमें। यहाँ हम प्याज डालकर चेक कर लेंगे कि ऑयल गरम हो गया है या नहीं। व्यूअर्स, हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डलेगा गरम मसाला साबुत। यहाँ मैं इसमें साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। इसमें साबुत गरम मसाला डालने से बहुत अच्छी महक आती है। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। इसके बाद इसमें डलेंगी साबुत मिर्चें। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून। नमक हसबे ज़ायका, मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। टमाटर गलने तक हम यहाँ पे कीमे को भूनेंगे। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालकर कीमे को गलने के लिए छोड़ दूँगी। लो फ्लेम कर देंगे हम बिल्कुल, और ढककर छोड़ देंगे इसको 10 मिनट के। देख सकते हैं आप, हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है ये। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें व्यूवर्स, ये है हमारी कीमे की फ़ाइनल लुक। व्यूवर्स, ये खाने में भी बहुत टेस्टी और यमी होता है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।